स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे पद्मावती की शूटिंग के दौरान जयपुर में संजय लीला बंसाले के साथ जिस तरह की घटना हुई। राजपूत समाज का साफ कहना है कि इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लगातार दूसरे दिन करणी सेना के संस्थापक और अध्यक्ष दोनों ने कहा है कि भविष्य में भी फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे दूसरे लोग हो, ये तय मान के चले कि इतिहास के साथ और राजपूत समाज के जो पहले का जो इतिहास उसके साथ गलत तरीके से अगर चित्रण किया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपको बता दें कि जोधा अकबर के वक्त भी इसी तरह से करणी सेना ने नाराजगी दर्ज कराई थी और एक बार फिर पद्मावती की शूटिंग के दौरान भी हंगामा रहा और इस पर बॉलीवुड से कई सितारों ने, नामचीन शख्सियत ने इस घटना की निंदा की है। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि गलत है लेकिन इतिहास के साथ इस तरह से तोड़ मरोड़ना भी उचित नहीं है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी क्या कह रहे हैं और राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया क्या कह रहे हैं। फिर हम लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ में जिसमें इतिहास विभाग राजस्थान यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ में हैं, करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना हमारे साथ में हैं, आर्टिस्ट श्रेय रावत हमारे साथ हैं, भाजपा नेता मुकेश चेलावत जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस नेता आशी चौधरी साहब हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है लेकिन जरा सुनिए क्या कह रहे हैं कालवी और कटारे। ना सोचे समझे जो कमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के, बॉलीवुड अगर पूरे को माना जाए तो उसमें सनी देओल भी मौजूद है, उसमें बहुत पचासों लोग मौजूद है जिन लोगों ने ये कहा है। केपीएस गिल का आज सुबह सुबह स्टेटमेंट था दैनिक भास्कर में, उन्होंने ट्वीट किया कि भाई इतिहास से अगर तोड़ मरोड़ किया जा रहा है तो भूगोल बदल दिया जाता है, जिसका एक नमूना है ये जो कल इंसिडेंट हुआ। उनकी जो पर्सनल रिलेशंस हैं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के, उनको अलाउद्दीन और पद्मावती के नाम से पिक्चराइज करने की कोशिश नहीं की जाए। पद्मावती को सपने में भी अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका के तौर पर प्रदर्शित नहीं किया जाए और जब तक ये शॉर्ट आउट नहीं हो तब तक इसका फिल्मांकन रोका जाए। आक्रोश होना स्वाभाविक है लेकिन फिर भी आक्रोश जो है वो कानून तोड़ करके नहीं दिखाया जाए। आक्रोश है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास आए, पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन कोई स्वयं ही कार्रवाई करे तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। आक्रोश होना स्वाभाविक है लेकिन आक्रोश नियम तोड़ करके नहीं दिखाया जाए तो अच्छा रहेगा। जांच करने के बाद किसका दोष है नहीं है उसकी कार्रवाई करेंगे। चले कालवी ने कहा है कि इतिहास को अगर तोड़ा फोड़ा जाता है तो भूगोल बदल दिया जाता है और उधर गुलाब चंद कटारिया साफ कह रहे हैं कि आक्रोश जायज है लेकिन इस तरह से नियम तोड़ना भी उचित नहीं है। चले हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भूगोल के माफ करेगा इतिहास विभाग राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर साहब शर्मा साहब हमारे साथ में। शर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 16वीं सदी के दौरान पद्मावती का उल्लेख साहित्य में देखने को मिल रहा है, इस पे एक सवाल ये भी उठता है। मैं भी कुछ साइट्स पर पढ़ रहा था, कुछ प्रोफेसर्स ने इस घटना के बाद में एक नई बहस शुरू हो गई कि पद्मावती का कोई किरदार था भी कि नहीं था। वास्तव में यह एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा है और इतिहासकारों के अलग अलग इसके अंदर राय है और यहाँ तक कि राजस्थान के भी जो इतिहासकार हैं उनकी भी एक राय नहीं है, क्योंकि जो मेन उद्देश्य जो था आक्रांता का वो कोई एक ही जगह का ये इसी को लेकर नहीं किया गया, इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसी के लिए जो है ये आक्रमण किया गया है। अगर सिर्फ इसी कारण से अगर आक्रमण किया होता तो फिर वो अन्य दुर्गों के ऊपर आक्रमण क्यों कर रहा था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि वो विश्व विजय के लिए निकला था और एक उसका आकस्मिक घटना ये रह गई हो, लेकिन इसको जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के जो अभी जो वातावरण तैयार किया जा रहा है वो उससे जोड़ना मेरे हिसाब से तो अभी ठीक नहीं है, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी इश्यूज हो उन पर फिल्मांकन करना बहुत ही गलत। इसमें आपको लगता है कि दो चीजें होती हैं, या तो फिक्शन हो तो फिक्शन में अंडरस्टूड होता है कि आपको एक काल्पनिक कैरेक्टर आप तैयार कर रहे हैं, और जब लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में भी क्या एक प्रचलन है कि इतिहास के नाम को बनाने की कोशिश तो की जाती है लेकिन जब फैक्ट्स में कहीं पे कंट्रोवर्सी होती है तो उस वक्त कह दिया जाता है कि ये काल्पनिक है, क्योंकि इतिहास दिखता है और
जब लगता है कि फिक्शन है, करेक्टर में कहीं 19-20 है तो नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे अगर किसी साहित्य में ऐसा कोई काल्पनिक कैरेक्टर भी है पद्मावती के नाम से भी, लेकिन लगता है कि 16वीं शताब्दी से आज तक वो लोगों के जहन में एक उसी तरह का कैरेक्टर है जिसमें कहा गया है कि जौहर हुआ जब खिलजी ने उस पर बदनीयती डाली और उसके बाद में कई राजपूत महिलाओं के साथ में पद्मावती ने चित्तौड़ में जौहर किया, जिसका आज भी वहां पे उल्लेख भी देखने को मिलता है। एक कुंड बना हुआ है वहां पे विजय स्तंभ के पास में ही, जिसके लिए कहा जाता है कि यही वो जौहर स्थल है जहाँ पे पद्मिनी ने सैकड़ों महिलाओं के साथ में यहाँ जौहर किया था। तो ये जो इतिहास की चीजें हैं, या तो हम मान के चले कि वर्षों पुराना जो इतिहास है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन ये भी माना जाता है कि शायद ऐसा था इसी वजह से सारी चीजें चल रही हैं। तो क्या इन तमाम पहलुओं को लेकर के वक्त ये भी कहता है कि इतिहास की भी समीक्षा होनी चाहिए? नहीं, इतिहास की समीक्षा की अगर नए तथ्य सामने आते हैं तो हम उसकी कर सकते हैं, लेकिन अगर पुराने एविडेंसेज जो हमारे पास में है उसके आधार पर हम उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं, अगर कोई नया तथ्य अगर अपने पास सामने आता है तभी उसके साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं जी। नहीं तो आप जो एक सामाजिक पहलू है उसके आधार पे आप उन तथ्यों को अगर बदलना चाहेंगे तो वैसे समाज में भी आक्रोश आएगा, क्यों कि जिन चीजों को तथ्य नहीं मिले हुए हैं आज आपको इसके बारे में अगर कोई एविडेंस, सभी इतिहासकार कोई एविडेंस पेश नहीं कर पाए, हर अपनी राय दे रहा है कि अमीर खुसरो के साथ में था, वो ये लिख रहा है, ये कर रहा है, लेकिन कोई एविडेंस ऐसा हमारे सामने आया। दूसरी बात यह है कि इतनी महिलाओं का एक साथ संगठित होकर जौहर के लिए जाना, ये अपने आप में एक उस परंपरा का द्योतक है, क्योंकि राजपूत महिलाओं में एक अपने आप में वीर शक्ति होती थी और वो स्वयं जो है वो शक्ति जो पुरुषों में होती थी वही महिलाओं में भी उस प्रकार के विचार आते थे। हमारे साथ में श्रेय रावत आर्टिस्ट है, उनसे मैं जानना चाहूंगा। श्रेय आपका स्वागत है जगटी में, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो घटना है उसको लेकर के पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं आपका। बहुत ही सरल सा रिएक्शन है। अब आप कहेंगे कि ठीक है आर्टिस्टिक इतना तो वो होना ही चाहिए कि थोड़ा बहुत चेंज कर लें, पर आज मैं आपसे कहती हूँ कि आप मूवी बनाइए कि झांसी की रानी किसी ब्रिटिशर के साथ किस कर रही है, और ये आपको दिखाया जा रहा है अब कि बच्चों को स्कूल में पढ़ते हैं जाकर देखेंगे कि भाई झांसी की रानी तो ब्रिटिशर से ही प्यार कर रही है। तो अगर इतना तोड़ मरोड़ कर देंगे, इतना तोड़ मरोड़ कर देंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस इज वन थिंग, बट इतना फैक्ट्स को चेंज करना, दिस इज नॉट फेयर। बात मानती है कि अगर आप इतिहास की पृष्ठभूमि लेकर के कोई भी अगर आप चित्रण करने जा रहे हैं, मूवी बनाने जा रहे हैं, सीरियल्स बनाने जा रहे हैं, तो या तो आप फिक्शन रखिए पहले से, उसको इतिहास में मत जोड़िए, या फिर अगर इतिहास ले रहे हैं तो इतिहास के फैक्ट्स के साथ में ऐसा भी नहीं करें ताकि किसी के जन भावनाओं को हानि पहुंचे, ये कहना चाह रही हैं आप? बिल्कुल। और आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो पढ़िए पहले, लगता है कि संजय लीला मंसाली ने उसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। किस हद से उसने 50,000 लड़कों को अपने स्लेव बना के रखा था, 20,000 औरतों को अपने पास स्लेव बना के रखा था, और उसके काजी ने ये, मतलब ये हिस्ट्री में लिखी हुई बात है कि अगर कोई मुसलमान थूकेगा तो हिंदू को अपना मुंह खोलना पड़ेगा उसके थूक के लिए, मतलब ये काजी ने जारी किया हुआ था कि ये तो हो गई। अगर ऐसे इंसान के बारे में आप पिक्चर बनाएंगे और फिर उसको एक हीरोइक उसको एक लुक दे देंगे तो ये कहाँ से सही है? कल को हॉलीवुड में ब्रैड पिट आएगा ओसामा बनके कि ओसामा तो रॉबिन हुड है, ओसामा तो बहुत अच्छा आदमी है, फिर वहां चलेगा क्या ये? चले, महिपाल सिंह जी हमारे साथ में है। महिपाल सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विरोध जो रहा इसमें आप लोगों की कब से बात चल रही थी, सरकार के स्तर पर भी कभी आप लोगों ने कहा कि हमारा ये विरोध रहेगा और यहाँ पे परमिशन अगर गवर्नमेंट के स्तर पे रुक सके तो सरकार के स्तर पे रुके, या जिन लोगों की प्रॉपर्टी है उन लोगों को आगाह किया कि अगर ये शूटिंग होगी तो हमें बर्दाश्त नहीं होगी क्योंकि इतिहास के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, या सीधे ही जाके और अपना विरोध प्रदर्शन या विरोध सीधे संजय लीला भंसाली के सामने दर्ज कराया? देखिए मैं कहना चाहूंगा कि जब से इन्होंने इस फिल्म को अनाउंस करा 6-7 महीने पहले, उस दिन से लेके आज तक संजय लीला भंसाली के ऑफिस में हजारों बार हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद ने लैंडलाइन नंबर पे फोन करा है, मेरे लेटर पे मैंने बकायदा उनको लिखित में मांगा है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं,
और आप जिस महिला के बारे में दिखाना चाह रहे हैं उस महिला ने 16,000 रानियों के साथ अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, हमारे पूरे राजस्थान के गौरव के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जौहर करा था, जो एक प्रथा है। अगर बाहर का कोई भी आक्रमणकारी जब लगता था हमारे उसको कि वो हम उससे नहीं जीत पाएंगे, तो वहां की आम महिलाएं ये जौहर किया करती थी। और उसके बाद में राजपूत जो रणबांकुरे थे वो केसरिया बाना पहन के युद्ध में लड़ने जाया करते थे, क्योंकि उनको जब घर का मोह खत्म हो गया तो वो इसीलिए उस चीज को ये करते थे। औरतें अलग करती थी, औरतें जौहर करती थी, और मर्द उसको शाखा बोलते हैं, मर्द शाखा करते थे। तो उन चीजों को दरकिनार करते हुए इन लोगों ने जो पिछले 6 महीनों में जो एक वो दिखाई है अपने, मतलब हमारे प्रति एक नेगलेसी उनके मन जहन में थी, उन लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया हमें। और जबकि यहाँ हार्दिक पटेल यहाँ 6 महीने से था, वहां उदयपुर रुका हुआ था, तो वो मेरे से एक बार दो बार उनसे बात हुई, मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम वहां उस धरती पे विराजमान हो जहां पद्मावती जैसी वीरांगनाएं हुई है, तो आप लोग भी यहाँ विरोध करो। उसने भी विरोध जारी करा अपने लेटर पे, उसने भी बोला, अखबार टीवी में आया, और हर दिन फिर भी अखबार टीवी के माध्यम से हमें मालूम चलने लगा कि वो लोग इसको कभी सपने में दिखा रहे हैं, कभी लव ट्राइंगल दिखा रहे हैं। अरे यार, जब देखा ही नहीं आपस में तो सपने में क्यों दिखा रहे हो? उसके मन में क्या है? वो तो पर्दे पे तो पूरा वो का वो ही दिखेगा ना। आप सपने में दिखा रहे हो कि सपने में तो आ गया, अब सपने में तो आप कुछ भी दिखा दोगे, फिर दिखेगा तो पर्दे पे ही ना। आप इतनी गलत मानसिकता दिखा क्यों रहे हो और उसको क्यों हीरो बना रहे हो? बाहरी आतंकारी है, उसको उसी लेवल पे दिखाओ ना। अगर आपको हीरो बनाना है तो राजस्थान और इंडिया के इतिहास में कमी है क्या हीरोओं की? आप ऐसी चीजें दिखाई जा सकती है जो युवाओं में पथ प्रेरक का काम करेगी, युवाओं में एक नई प्रेरणा देगी। आप बाहरी आतंकारी को आप हीरो घोषित कर रहे हो, और हमारी यहाँ की महिलाओं को आप किस तरीके से दिखा रहे हो कि वो उनके साथ लव, मतलब वो प्यार करती थी उनसे, या लव ट्राइंगल दिखा रहे हो, तो बच्चों में क्या एक नया वो जाएगा, ये मैसेज जाएगा? आपने जोधा अकबर के टाइम अकबर के साथ जोधा को जोड़ दिया, फिर हमने यहाँ वो फिल्म रिलीज नहीं होने दी तो आपने एक वो एकता कपूर ने उस पर सीरियल बना दिया, सीरियल हमने रोका तो वो जो एकता कपूर यहाँ आई और बोल के चली गई कि मैं बंद कर दूंगी, उसने अपनी फिल्म चालू करवा ली वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, वहां जाके मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी। तो ये कौन सा तरीका है यार? आप क्यों किस तरीके से इस इतिहास को खराब करना चाह रहे हो? और फिर आप बोल रहे हो कि हमें मारा, आपके लोगों ने हम पे फायर करें, खुले फायर, 3 फायर, और उनके जवाब में थप्पड़ भी ना पड़े। हमारे घर में आके आप लोग हमें चैलेंज करते हो और आप चाह रहे हो कि हमने टॉलरेंस करी, हमने वहाँ कहाँ तक बात पहुंची आप लोगों का? कोई आपस में डिस्कशन हुआ, कोई टॉक हुआ है कि जिसकी वजह से कहा जा सके कि अभी कोई रास्ता निकल सकता है? कल हमारी उस घटना के बाद में संजय लीला भंसाली से बात हुई, 1.5 घंटा मेरी बात हुई है, खुद वहां एसपी साहब थे, डिप्टी साहब थे, और कालू साहब भी मेरे साथ थे। उन्होंने बोला कि हम इस पद्मिनी मूवी पे अब जितना भी आप चाहते हैं हम क्लियर करेंगे, और जो भी आगे की शूटिंग होगी वो तब होगी जब आप लोग इसको परमिट करेंगे कि हाँ ये अब वाजिब है। तो उनकी तरफ से जो एश्योरेंस आएगा वो ऑफिशियली देना चाह रहे हैं। उन्होंने यहाँ से पिकअप कर लिया, और वो तब तक वो बोल रहे हैं, वो जैसा उन्होंने बोला कि तब तक हम शूटिंग नहीं करेंगे जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे। तो मुझे इनकी बात पे इसलिए ज्यादा भरोसा नहीं है कि ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ पहले हो चुके हैं। एकता कपूर आई थी, उसने हमसे वादा करा था इसी पूरी मीडिया के सामने, नेशनल मीडिया वहां थी, कि हम लोग माफी मांगते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो गया है, ये सब जीते भी ये वादा करके वो गए हैं, उससे 50 गुने ज्यादा वादा वो करके गई थी और अपनी फिल्म चला ली वंस अपॉन ए टाइम मुंबई दोबारा। उनके पिताजी भी यहाँ आए थे, रमेश सिप्पी जो उनके मामा है, वो जो शोले के डायरेक्टर है, वो भी यहाँ आके गए थे। और रही बात उनकी कल की, जो ये आप लोग ये जो पूरा मीडिया बता रहा है कि करणी सेना के लोगों ने इतना उपद्रव करा, बिना परमिशन के आप एक तो मेरे घर पे आ रहे हो, मेरा राजस्थान घर है, घर पे आ रहे हो, उसके बाद हम पे गोलियां चला रहे हो, और ये बोल रहे हो कि हमने उनके साथ बुरा करा। पूरा जो फिल्म जगत है वो बोल रहा है। मेरे पास एक सवाल है मेरा छोटा सा, यहाँ पे उस स्थिति की जरूरत क्यों पड़ी कि अगर संजय लीला भंसाली के आपको थप्पड़ मारना पड़ा या उनके गार्ड्स ने फायर करने की कोशिश की प्रशासन के सामने पहले? क्योंकि गुलाबचंद कटारिया कह रहे हैं कि इस तरह की घटना की या कहें कि नियम तोड़ने की इजाजत कानून नहीं देता है, आक्रोश जायज हो सकता है लेकिन जो घटना राजपूत करणी सेना ने की है वो भी उचित नहीं है।
सेल्फ डिफेंस नाम की भी एक अपने न्याय में एक व्यवस्था है, अगर आप पे कोई अटैक करता है वो भी गोलियों से, तो अगर उसका आप वापस से सेल्फ डिफेंस भी नहीं करोगे उसको, अगर आपको न्याय की मैं बोलता हूँ कि अगर उल्लंघन है तो शायद मेरे से वो मेरे कार्यकर्ताओं से वो हुआ है, और इस तरीके की अगर घटनाएं कोई यहां आके हमारे साथ करेगा तो ऐसी घटनाएं बार बार होगी, क्योंकि वो उस चीज को वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, उनके पूरे जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो उनको बकायदा उनको उसके लिए वो मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं वो बंसाली ने कुछ नहीं किया, बंसाली के लिए बंसाली, वो बंसाली है, अरे यार हमने क्या करा, हमने तो केवल हमारे इतिहास पुरुष जो है, इतिहास से जुड़ी हुई जो तथ्य है, इतिहास महिलाएं जो है, हमारी घर माँ बहन बेटियों की इज्जत के साथ जो आप लोग बुरा जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ तो हमने पूछा आपको, क्या गलत पूछा है, अगर आपको ये गलत लगता है तो 1000% हम आप बार बार ये पूछेंगे आपको, अगर राजस्थान के मॉन्यूमेंट्स में राजस्थान के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके अगर आप कुछ भी बनाएंगे तो यहाँ आने से पहले आपको यहाँ के लोगों से पूछना पड़ेगा, मैं राजस्थानी हूं पहले, फिर दूसरा मैं हिंदू हूं, तीसरा मैं राजपूत हूं, ये क्षत्रिय कौम से मैं बिलोंग करता हूं, 36 कौम की पोषक है, 36 कौम की उन्होंने सेवा करी है, रक्षा करी है, कभी टॉलरेंस नहीं करा, कभी उनके खिलाफ हमने हम कभी उपद्रवी नहीं रहे, सालों से जनता जानती है, सालों से हर एक व्यक्ति जानता है, राजपूत ने इस मातृभूमि के लिए क्या किया है और अभी भी सरहदों पे कौन मातृभूमि के लिए लड़ता है। चलिए मैं महिपाल जी आपके पास में लौटूंगा, अभी मुकेश चलावत साहब भाजपा नेता हमारे साथ में, मुकेश जी हमारे यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लाने की कवायद की जाती है, आपके मुख्यमंत्री काफी इसमें दिलचस्पी लेती है, लेकिन ये घटना यहां तक पहुंचती है क्या कहेंगे इसमें, गुलाबचंद कटारिया साहब तो कह रहे हैं कि घटना निंदक है लेकिन आक्रोश भी जायज है। निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को या किसी संगठन को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ में आपको एक बात और देखना पड़ेगा कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, निश्चित रूप से अगर इतिहास के साथ में अगर कहीं तोड़ मरोड़ किया जाएगा या इतिहास के साथ में अगर कहीं किसी प्रकार की छेड़खानी की जाएगी तो कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। संजय लीला भंसाली न तो उनको इतिहास से कोई लेना देना है, न अलाउद्दीन खिलजी से कोई लेना देना है, न रानी पद्मनी से कोई लेना देना है, केवल और केवल अपना व्यवसाय करने के लिए उन्होंने एक जोहर वाली महिला जिन्होंने अपने सतीत्व के लिए अपने सभी की रक्षा के लिए उन्होंने जोहर किया था हजारों रानियों के साथ में, उनके चरित्र के ऊपर लांछन लगाने का जो संजय लीला भंसाली ने प्रयास किया है निश्चित रूप से यह घृणित है, निंदनीय है और इसकी मैं निंदा करता हूं। लेकिन 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 मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि संजय लीला भंसाली को पैसा कमाने के लिए एक आक्रांता को महिमा मंडित करने की क्या आवश्यकता थी। छोटा सा सवाल है सर, एक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ली होगी संजय लीला भंसाली ने भी, उस वक्त ये सब ध्यान नहीं आया, अभी राजपूत समाज की नाराजगी की वजह से बीजेपी का बयान है या फिर उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से कोई परमिशन नहीं लिए, उन्होंने केवल उन्होंने जिस बिल्डिंग में उनको शूटिंग करनी थी केवल उस बिल्डिंग का किराया जमा कराया था, तो उस बिल्डिंग मालिक कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर वो निश्चित रूप से सरकार से परमिशन लेते तो सरकार सभी गुण दोषों पर चर्चा करती, जो प्रभावित पक्ष है उनसे भी बात करती और उसके बाद में अगर उचित होता तो ये अनुमति देती अन्यथा ना देती। चलिए चलिए मैं अब वापस लौटूंगा, आरसी चौधरी हमारे साथ में कांग्रेस नेता है, मैं उनसे जानना चाहूंगा चौधरी साहब पहली रिएक्शन चाहूंगा आपके मैं इस पूरे प्रकरण पे। योगेंद्र जी सबसे पहले तो ये है कि ये राजस्थान से जुड़ी हुई एक पिक्चर है और राजस्थान में उस महिला से जिसका भी एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ा इतिहास है उनसे जुड़ी हुई पिक्चर है और उस महिला का जो इतिहास है वो एक महिलाओं को प्रेरणा देता है, किस चीज के लिए देता है, एक सामाजिक जो महिला के लिए जो तानाबाना है उसके लिए एक प्रेरणा देता है। तो किसी के जब आप एक इंडिविजुअल क्लोज कैरेक्टर पे जाते हैं और उस क्लोज कैरेक्टर पे आप जिस प्रकार से चरितार्थ करने का प्रयास करते हैं तो ये सिर्फ आपके अगर इस फिक्शन को लेके है या आपके फिल्मांकन को लेके है या आपके बिजनेस को लेके है तो निश्चित रूप से ये निंदनीय है, ऐसा कतई ही किसी भी हरगिज नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक पूरे प्रदेश की जो छवि बनी, पूरे प्रदेश की जो बात बनी, क्यों इन लोगों को सड़क पे उतरना पड़ा, क्यों इतना बड़ा विरोध करना पड़ा, जब सरकार यहाँ पे एक फिल्म सिटी बनाने की बात करती है, फिल्म सिटी एक टूरिस्ट से जुड़ी हुई चीज है, अपने जो हिस्टोरिकल जो मोमेंट है राजस्थान की जो पहचान है वो भी फिल्म इंडस्ट्रीज के द्वारा एक रीच बनती है, तो सरकार को क्या इसके बीच में अगर उन्होंने इस परमिशन ली क्या किराए के लिए ली, अगर क्लोज सर्किट से अगर बनी हुई
इंडिविजुअल जब पद्मावती की जब बात आती है ये पूरी इतिहास से नहीं, जब आप इंडिविजुअल पे क्लोज कलेक्टर जा रहे हैं उस पर, तो क्या सरकार को उसके बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए क्या? कहीं ना कहीं सरकार की इतनी बड़ी घोर लापरवाही रही, और उसके बाद में जब समाज उद्दलित होता है और समाज को जब सड़कों पे उतना पड़ता है, उसके बाद में सरकार के लोग अगर किसी चीज की निंदा करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार की जो संवेदनहीनता है वो खत्म हो चुकी है। और सरकार का मुखिया लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो फिल्म इंडस्ट्रीज के जो आर्टिस्ट है उन्हीं की तरह उनका कैरेक्टर हो गया। चलिए एक महिपाल जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है जयगढ़ पैलेस, जहां पे अभी बताया भी मुकेश जी ने कि वो इंडिविजुअल हाउस में अगर किसी का शूटिंग हो रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने जरूरत नहीं समझी और वहां पे चल सब कुछ हो गया। मेरा एक सवाल है आपसे, यहाँ पे जयगढ़ की प्रॉपर्टी हिजाइनेस जयपुर की है प्रॉपर्टी, कुछ दिन पहले राजपूत समाज के लोगों ने एक बिल्डिंग के लॉक लगाने की वजह से सड़कों पे उतरे, क्या उनको इतिहास की खबर नहीं थी पद्मावती का क्या सीन है, क्या चीजें होंगी, कितना उनका अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि दिया कुमारी देखें या जो महारानी पद्मिनी देवी हैं या उनके और जो राज परिवार से जुड़े जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जो लोग जुड़े हैं, जो इंडिविजुअल डिजाइनर्स के यहाँ काम करते हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी पहले से इन सब चीजों को देखते? मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ और उन्होंने जो अपनी बिल्डिंग दी राज परिवार ने, उनके जो बिल्डिंग का जो ये फिल्म के सेट के लिए जो बिल्डिंग देते हैं वो एक जो व्यक्ति इन्होंने अपॉइंट कर रखा है वो बॉम्बे से रिलेटेड व्यक्ति है, और यहाँ शूटिंग होती रहती है। तो मैंने ये वहां पूछा भी था कि आपने बिल्डिंग क्यों दी है, तो उनको खुद को इसका कंफर्म नहीं है कि वहां शूटिंग पद्मावती की हो रही है या सीरियल की हो रही है। वहां बताया गया था कि शूटिंग कोई सीरियल की शूटिंग है, उसके लिए ये सेट बनाया जा रहा है। उनको खुद को बंसाली का कोई टीवी सीरियल नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, डिजाइनिस्ट परिवार को ये पता नहीं, कर्णी सेना के लोगों को प्रदेश भर में बिखरे वहां पता चल गया, और यहाँ पे बैठे इन लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे शूटिंग किस चीज की चल रही है। अब मेरे से जो बात हुई उसके बाद में जो उनका जो एक जवाब था वो यही था, उनको अगर मालूम है और फिर भी अगर उन्होंने ये करा है तो शायद ये समाज के लिए सही नहीं है, और उनको शायद इन चीजों को सोच समझ के, क्योंकि जब समाज का इस पे विरोध है तो उनको भी ऐसी अपनी जो प्रॉपर्टीज है उनको इस तरह की जो विवादित जो कोई मामले हैं उनमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत बड़ा मैसेज जाता है। वो हमारे इस जयपुर के पहला परिवार हम लोग गिनते हैं हमारे समाज के हिसाब से, और इसे जयपुर को बसाने में उस परिवार का हाथ रहा है, उस परिवार के पुराने जो राजा थे उन्होंने जयपुर को बसाया है, तो उनका काफी एक वो ये बनता है, हक बनता है उनका, काफी वो एक ड्यूटी बनती है, उनकी ड्यूटी बनती है, ध्यान रखना चाहिए था अगर ऐसा कुछ था तो। चलिए श्रेया, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि पूरा जो घटनाक्रम है इसको लेकर के बॉलीवुड की अपनी काफी सारी रिएक्शंस भी हैं। हमारे यहाँ पे शूटिंग होती है, शूटिंग से एक बिजनेस भी डेवलप होता है, टूरिज्म भी बढ़ता है, तो क्या मानना है आपका कि इसमें कहीं कोई किसी स्तर पे लापरवाही भी रही है? चले संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए, या एक ट्रेंड भी चल गया है कि विवादित चीजें ज्यादा बिकती हैं, लेकिन हालात क्यों बने ऐसे? ये तो एक ट्रेंड एक्चुअली चालू ही हो गया है कि अब शाहरुख खान ने करी ना पिक्चर लतीफ को, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट में जुड़ा हुआ इंसान है, उसको हीरो बना दिया, उसको तो रॉबिन हुड दिखा दिया। अब कहाँ है सेंसरशिप, अब कहाँ है वो सारे लिबरल्स और लेफ्ट वाले लोग वो, और सारे ये मीडिया में जो भी बोल रहे हैं वो कहाँ है, वो उनको रोकने के लिए कहाँ है वो? उसके अलावा अब ये आप पद्मावती की ही बात ले लीजिए कि इतनी बड़ी बात कि आपने पूरी हिस्ट्री को ही बदल डाला, आपने पूरा ही अपना पूरे जो इतनी महान चित्तौड़ की हमारी रानी रही है उनकी वजह से सारा राजपुताना एक होकर अलाउद्दीन खिलजी को बाहर निकाल दिया, उसके लिए मतलब उसको इतना नीचा दिखा दिया, मतलब ये एक ट्रेंड सा बन गया है, और ये क्यों हो रहा है ये तो ये फिल्म वाले जाने। मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इस पैनल।